अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदनान और आज की इस वीडियो में मैं एक मरतबा फिर आपके लिए पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लाया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो सैलरी कैप है, सैलरी का जो बजट है हर टीम के लिए कितने पैसे होते हैं, कौन सी टीम के पास कितना पैसा होता है एक टीम बनाने के लिए, प्लेटिनियम कैटेगरी के खिलाड़ियों को कितने पैसे मिलते हैं, डायमंड कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी, सिल्वर, यहाँ तक कि सप्लीमेंट्री कैटेगरी में भी खिलाड़ियों को कितने पैसे मिलते हैं, क्या उनको सप्लीमेंट्री कैटेगरी के प्लेयर को भी ऊपर वाले जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनके बराबर जो पैसे मिलते हैं या उनको कम मिलते हैं, इमर्जिंग कैटेगरी के हवाले से आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि प्लेटिनियम कैटेगरी में जो खिलाड़ी होते हैं उनमें मैं आपको बताऊँ कि कैटेगरी के लिहाज से तो सेम कैटेगरी होती है लेकिन वहाँ पर भी कुछ खिलाड़ियों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कुछ खिलाड़ियों को कम पैसे मिलते हैं, उस हवाले से मुकम्मल तौर पर डिटेल से आपको बताऊँगा। इसके हवाले से आपको ये भी बताऊँगा कि पिछले सालों की बनिस्बत इस साल PSL 6 के लिए क्या बजट को ज़्यादा किया गया है, बजट को कम किया गया है, उस हवाले से भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक इसी तरह जल्द अज जल्द पहुँच रही है, क्योंकि अभी इस वीडियो के बाद मैं अब नए सिलसिला शुरू करने लगा हूँ PSL रिटेंशन के हवाले से। हर टीम की जो पॉसिबल रिटेंशन हैं वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि PCB की जानब से जो लिस्टें आई हैं उसके मुताबिक मैं आपको देखकर बताऊंगा कि कौन सी टीमें जो है कौन कौन से खिलाड़ियों को अपने प्रीवियस सीज़न की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर रिटेन कर सकती हैं और उनकी कैटेगरीज के लिहाज से कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी जिन्हें वो रिटेन करना चाहेंगी लेकिन रिटेन नहीं कर पाएंगी, आपकी फेवरेट टीम के हवाले से बताऊँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी फेवरेट टीम का नाम ज़रूर बताएँ कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट देकर मैं आपकी फेवरेट टीम के लिहाज से सबसे पहले रिटेन प्लेयर्स की वीडियो लाऊँगा। तो सबसे पहले अब आगाज़ करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कि जो मुकम्मल सैलरी कैप है वो रखी गई है हर टीम के लिए $9,50,000 जो है रखी गई है, यानी कि पाकिस्तानी 15,20,00,000 रुपए बनते हैं। अगर प्रीवियस सीजन की बात करें तो प्रीवियस सीजन में ये ज़्यादा पैसे थे, यानी कि ये 1.2 मिलियन रुपीज़ थे पिछले साल की नस्बत। इस साल इस सैलरी कैप को कम किया गया है, 18,84,00,000 रुपये पिछले साल थी, इस साल 15,20,00,000 रुपये सैलरी कैप रखी गई है। पूरा बजट जो है एक टीम को बनाने के लिए 18 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए इतनी बजट रखी गई है। इस साल कम क्यों किया गया है, इस साल कम करने की वजह यह है कि COVID-19 की वजह से ग्राउंड में तमाशाइयों को आने की इजाज़त नहीं होगी, तो उससे बजट भी कम किया गया है कि वहाँ अगर तमाशाई नहीं होंगे तो प्रॉफिट कम होगी, तो प्रॉफिट कम होगी तो उस ज़्यादा जो नुकसान से बचने के लिए उन्होंने किया है कि इस साल अगर क्राउड को वो अलाउ नहीं कर रहे तो फिर वो सैलरी को थोड़ा सा बाकी टीमों की तमाम खिलाड़ियों के जो सैलरीज हैं उनको कम कर दिया जाए। इस हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि प्रीवियस सीज़न में प्लेटिनियम कैटेगरी के क्या कैप थी और इस साल क्या कैप है। तो प्लेटिनियम कैटेगरी के अगर बात करें तो इन्होंने $1,30,000 से $1,70,000 तक आप प्लेटिनियम कैटेगरी के जो खिलाड़ी हैं उनको खरीद सकते हैं। 3 खिलाड़ी आप प्लेटिनियम कैटेगरी में ख़रीदते हैं तो डिफरेंट जो प्राइसेस हैं वो आप उनको पैसे ऑफर करते हैं, जिसमें $1,30,000 से लेकर $1,70,000 है। प्रीवियस सीज़न की बात करें तो वहाँ पर $1,47,000 से लेकर $2,17,000 तक जो है आप पैसे प्लेटिनियम कैटेगरी को देते थे, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। 20-25% जो हर खिलाड़ी की जो सैलरी है वो कट होगी इस साल सिर्फ COVID-19 की वजह से, कोविड की वजह से जो है ये सैलरीज खिलाड़ियों की कम होगी, खिलाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो जाहिर है बोर्ड भी अपनी जो सैलरी है उसको बचाना चाहता है, वो अपने जो बजट हैं वो जो अखराज हैं उनको कम करना चाहता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को मुआवजे देंगे तो फिर आपको आने वाले दिनों में नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप क्राउड को अनाउंस नहीं करते, क्राउड आने की इजाज़त नहीं होती तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा डायमंड कैटेगरी की बात करें तो डायमंड कैटेगरी में एक खिलाड़ी को $60,000 से लेकर $85,000 तक का मुआवजा मिलेगा। गोल्ड कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर गोल्ड कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं गोल्ड कैटेगरी में 3 खिलाड़ी खरीदे जा सकते हैं डायमंड कैटेगरी की तरह, प्लेटिनियम कैटेगरी की तरह। यहाँ पर गोल्ड कैटेगरी में भी जो खिलाड़ी हैं उनको $50,000 तक का मुआवजा मिलेगा। यहाँ पर अगर आप सप्लीमेंट्री कैटेगरी की बात करें तो बीच में जो सिल्वर कैटेगरी और जो
इमर्जिंग कैटेगरी है उनको सेम अमाउंट मिलेगी, उनको $50,000 से कम ही रकम मिलेगी। इसके अलावा सप्लीमेंट्री की बात करें तो इनको भी जो है $50,000 तक का मुआवजा मिलता है सप्लीमेंट्री कैटेगरी का जो प्लेयर होता है उसे, और कमर्शियल जो राइट होते हैं पीसीबी एक टीम को देती है उसके लिए कितने पैसे पीसीबी उन्हें प्रोवाइड करता है कि आप जितने भी कमर्शियल करना चाहते हैं, आप अपनी टीम को प्रमोट करना चाहते हैं, उस हवाले से जो कैप मिलती है वो मिलती है जी। फी टीम को $30,000 मिलते हैं कि आप ये लें और आप अपनी टीम की एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। तो ये जो भी अखराजात पीसीबी जो अपनी टीम्स को देता है उसके बाद फिर वो टीम्स ये बजट रखती हैं, इतने पैसे उनके पास होते हैं जो अपनी टीम्स को ख़रीदने में वो लगाते हैं। तो आपको मैंने इस वीडियो में तफसील से बताया कि कौन सा खिलाड़ी प्लेटिनियम कैटेगरी का, डायमंड का, गोल्ड का कितने पैसे लेगा पीसीबी से, उस हवाले से आपको बताया। इसलिए मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को बजाना मत भूलिएगा।